इस युवा सम्मेलन में आए हुए मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं महान महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदवी स्वराज के संस्थापक और जिनके उपकार से ये देश कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो शिवाजी महाराज को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले लंबे कालखंड के बाद इस देश के स्व की भावना को जगाने का काम किया और आज देश आजाद बनकर दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है, उसकी नींव डालने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मेरे साथी सभी सांसद, राज्य सरकार के मंत्री, सभी विधायक और उत्तर महाराष्ट्र की पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है। मैं आपको कहने आया हूं कि मैं आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में बात करने आया हूं। युवा साथियों, आप सोचते होंगे कि मंच पर से 24 के चुनाव में 8 प्रत्याशी आएंगे, उनके लिए चुनाव है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। ये गलत फहमी में मत रहना। आने वाला चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2047 में मंच पर से बहुत कम लोग होंगे, मगर मंच के सामने जो मेरे युवा साथी हैं, सारे के सारे 2047 में होंगे। ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव भारत के युवाओं का चुनाव है, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब युवाओं के उज्जवल भविष्य को वोट। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब महान भारत की रचना को वोट। और भारतीय जनता पार्टी का वोट का मतलब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप में से कई लोग पहली बार वोट करेंगे। मैं वो युवा साथियों को विशेषकर कहने आया हूं, आपका वोट वो पार्टी को दीजिएगा जो पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठा पाए, महान भारत की रचना कर पाए। आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टियों को दीजिएगा। भाई और बहनों, युवा साथियों, मुझे बताइए, जो पार्टियां अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रखती, परिवारवाद से चलती है, वो पार्टियां देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है क्या? जोर से बोले, कर सकती है क्या? ये मोदी जी की खिलाफत करने वाली सभी इंडी अलायंस की पार्टियां, घमंड या गठबंधन की पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां हैं। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं। बे मीडिया वाले, जरा सेट शूट कर बैठ जाओ तो, जरा प्लीज बैठ जाइए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला। ये जो मोदी जी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है, वो कौन है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, स्टालिन को उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें आपके लिए कोई नहीं है भाई, मुझे बताओ, आपके लिए है कोई? है? अरे क्या नहीं है यार,
आप सोते नहीं हो, आपके लिए नरेंद्र मोदी है भारतीय जनता पार्टी। मेरे देश के युवाओं के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 130 करोड़ मतदाताओं के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, महान भारत का लक्ष्य रखा है। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, ये 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर भाग जाते थे, कोई जवाब नहीं देते। मोदी जी आए, उरी में और पुलवामा में पराक्रम किया आतंकवादियों ने, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। ये धारा 370, मुझे बताओ युवाओं, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? ये धारा 370 मोदी जी कश्मीर को भारत के साथ जोड़े, एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को 70 साल से लटकाती रही, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर। अरे राहुल बाबा को जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो राहुल बाबा को? पार्लियामेंट में मुझे बताते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 5 साल हुआ, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है, और मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। भाई और बहनों, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने बैठो बोलो भारत माता की। जब प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, कांग्रेस ने कहा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बन गए, अटल जी देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, कौन से नंबर की? जोर से बोलो, कौन से? कांग्रेस ने 10 साल में 11वें नंबर पर देश को रखा, मोदी जी ने 10 साल में 11 नंबर से 5 नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं, मैं मोदी जी की गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी का गारंटी है, तीसरा टर्म दे दो, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। और मित्रों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर स्पेस से लेकर सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से लेकर ड्रोन तक, एआई से लेकर वैक्सीन तक और 5G से लेकर फिनटेक तक, हर क्षेत्र में मेरे युवाओं के लिए दरवाजे खोलने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, गलती मत करना, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका बायोडाटा कोई देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा या नहीं देखेगा? कितने मार्क्स आए हैं, एसएससी में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, फाइनल एमबीबीएस में क्या हुआ, देखेगा या नहीं? तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बायोडाटा देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे या नहीं देखोगे? बायोडाटा देख लेना, आपकी चॉइस केवल और केवल नरेंद्र मोदी होगी और कोई नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के पास
10 वर्ष का हिसाब भी है और नरेंद्र मोदी के पास 25 साल का विजन भी है। मित्रों, ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता है देश को आगे बढ़ाने वाले। मित्रों, युवाओं के लिए इस देश के अर्थतंत्र को मोदी जी ने आगे बनाया। वैश्विक मानचित्र पर भारत आज ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत में विगत 10 साल में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हर दिन 2 नए कॉलेज खोले हैं। हर दिन 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए हैं। हर दिन 1.5 लाख युवाओं को मुद्रा लोन दिए हैं। हर दिन 10 साल तक हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। हर दिन 16,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर दिन 3 सस्ती दवाई की दुकान खोली है। हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया है। हर दिन 50,000 गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया है। हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और हर सेकंड 10 साल तक हर सेकंड एक गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो पवार साहब को कहता हूं, पवार साहब, मोदी जी को 10 साल हुए, ये 50 साल से महाराष्ट्र की जनता आपको धो रही है, सहन कर रही है। 50 साल छोड़िए, 5 साल का हिसाब दे दीजिए जनता को। मैं तो 10 साल का हिसाब लेने आया हूं। मित्रों, आज मैं युवा साथियों को बताने आया हूं, मित्रों, इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ ताकत ही दुनिया में सम्मान दिलाती है। ताकत के साथ बाहर आइए, युवा अपना मत व्यक्त करे और तीसरी बार मोदी जी को 400 पार की बहुमती से जीता कर रखिए। हमने इसके लिए पूरा काम किया। मित्रों, इस देश की संस्कृति को एक कांग्रेसी वोट बैंक की लालच में हमेशा दबाते रहे। मुझे बताओ युवाओं, इस देश में राम मंदिर पहले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के डर से 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी करा और प्राण प्रतिष्ठा कर अयोध्या में श्री राम को भव्य घर भी। मोदी जी ने शिवाजी महाराज के समय काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतने सालों के बाद बनाने का काम किया। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से अटका कर लगा था, मोदी जी ने देने का काम किया। और बहुत सारी युवा साथी यहाँ पर बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, आप तैयारी कर लो भाषण करने की। 33% सीटें विधानसभा और लोकसभा में आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है। मातृशक्ति को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया और एक साथ 80 करोड़ लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाकर गरीब बच्चियों और माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 12 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 14 करोड़ लोगों को
नल से जल दिया और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। मेरे युवा साथियों, मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लग गया है नहीं लगा है? जिसको वैक्सीन लगाओ जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन दिया ना? और देव दुनिया भर में वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलते मिलते 6 महीना होते थे, मोदी जी ने टेक्निक का उपयोग कर वैक्सीन लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ सर्टिफिकेट भी भेजने का काम कर दिया। 130 करोड़ लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा टीका लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दुनिया के 100 देशों के अंदर वैक्सीन भेजकर भारत को विश्व मित्र बनाने का काम मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी भविष्य के भारत के लिए तैयार है। 2030 में दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है। 2035 तक अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करना है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करनी है और 2040 में चंद्रमा पर भारतीय को भेजकर मून मिशन को तय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है। ये भविष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना? राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अगाड़ी है। ये ऑटो के तीनों पहिए पंक्चर है। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र को पंक्चर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र को विकास दे सकती है। मित्रों, महाराष्ट्र को विकास देते मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए और 41,000 पेटन सिर्फ 22-23 में निश्चित करने का काम भारत के युवाओं ने किया। और मित्रों, बहुत सारे ये हमारे नेताओं ने यहाँ पर मेडिकल हब बनाया है, बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स आए हैं। आपकी मेडिकल की पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने दो गुना कर दी है। और मैं आपको कहता हूँ, अगले 3 साल में हर साल 1,00,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। मुद्रा योजना के माध्यम से 24,00,000 करोड़ का लोन दिया और पूरे देश को विकास के रास्ते पर मोदी जी ने आगे बढ़ाया। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजों भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने तय किया है महान भारत की रचना करेंगे और उन्होंने एक ट्रेलर तो दिखाई दिया। G20 में पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि पर फूल माला चढ़ाने के लिए एक साथ आकर मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व को स्वीकार किया है। मुझे बताओ युवा साथियों, सभी लोग वोट करने जाएंगे
जरा जोर से बोलो, अगले चुनाव में सभी लोग वोट करने जाएंगे? अकेले नहीं, माता पिता बहन भाई के साथ जाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को 300 पार कराएंगे? महाराष्ट्र में 45 पार कराएंगे? देश में 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 400 पार के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और अंत में शिवाजी महाराज का जयकारा लगाइएगा, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।